नमस्कार दोस्तों, फैक्ट समाचार में आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2019 में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार के द्वारा नए नए योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2019 में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद, प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद बीजेपी ने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोस्तों, 2014 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से ऐतिहासिक जीत हासिल किया था बीजेपी सरकार ने, उसी तरह से उसका भी रिकॉर्ड तोड़ के 2019 लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार आम जनताओं के लिए, उनके फायदे के लिए नए नए योजनाओं का प्रारंभ करना शुरुआत कर दिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको मिलने वाला है 30,000 से लेकर 35,000 रुपये तक का, और दोस्तों आपको मिल जाएंगे एक नौकरी। तो कौन सा वो योजना है, किस योजना के तहत ये मिलेंगे, सारा चीज मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और दोस्तों आगे बताऊंगा कहां से ये फॉर्म मिलेगा, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, क्या क्या दस्तावेज चाहिए इस योजना में लाभ लेने के लिए। दोस्तों, अगर आप एक गरीब परिवार से है या फिर आप एक अमीर परिवार से है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोकसभा चुनाव 2019 को इतने बढ़िया से जीतने के बाद, इस पावन पर्व को अच्छे से त्यौहार को मनाने के बाद, लोकसभा चुनाव 2019 में प्रचंड बहुमत हासिल कर ली बीजेपी पार्टी। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार ने ट्वीट करके ये चीज़ कहा है कि ये जो सरकार बनी है बीजेपी की सरकार नहीं बनी है, ये एक आम जनता की सरकार बनी है। जी हाँ दोस्तों, ये इसका टोटल श्रेय मोदी जी ने आम जनता को देकर, आम जनता को लुभाने का मतलब प्रयास किया है। इस योजना के तहत आम जनताओं को बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो कौन से इस योजना है, कौन सा योजना है, कौन सी योजना के तहत आपको क्या फायदा मिलेगा, सारा चीज बताऊंगा वीडियो के अंत में। अंत तक बने रहिए, वीडियो स्किप करते हो तो नहीं समझ में आएगा। लेकिन दोस्तों, इस तरह के सरकारी योजनाओं से अपडेट रहने के लिए आपको करना क्या है, वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और बगल में बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर ले, और इधर बगल में एक लाइक का बटन है उसे प्रेस करके सिंपली वीडियो को लाइक कर ले, ताकि हमें पता चले कि आपने वीडियो देख लिया। और दोस्तों, यहां पे शेयर का बटन है, यहां पे शेयर पे क्लिक करके आप इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप पे कहीं भी शेयर कर दो, ताकि और भी जो भी बेरोजगार लोग हैं या गरीब परिवार के लोग, सभी को पता चले इस योजना के तहत, और उनको भी मिल सके पैसे और नौकरी। तो दोस्तों, वीडियो के नीचे आपको कमेंट करके बताना है कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं और कितने के सदस्य के सरकारी नौकरी है, ये चीज आपको जरूर से बताना है, ताकि आगे चल के इस योजना का लाभ आप तक पहुंचाने में मैं मदद कर पाऊं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक गरीब परिवार से हो या फिर अमीर परिवार से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये योजना सभी के लिए मिलेगा। तो कौन से वो योजना है, वो सारा चीज मैं भी आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, इस योजना का नाम है एक परिवार एक नौकरी योजना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक गरीब परिवार से हो और आपके घर में किसी का सरकारी नौकरी नहीं है, तो आपको यहाँ पे एक सरकारी नौकरी बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। लोकसभा चुनाव 2019 को जीतने के बाद ये बहुत ही बड़ा फैसला ले लिया गया है मोदी जी के ओर से। जी हाँ दोस्तों, माननीय पूजनीय मोदी जी के ओर से ये बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया कि जो भी गरीब परिवार हैं, उनके परिवार में अगर किसी का सरकारी नौकरी नहीं है, तो उनको मोदी जी की ओर से सरकारी नौकरी दी जा रही है, और इस सरकारी नौकरी में वेतन होगा 30,000 से लेकर 35,000 तक। लेकिन दोस्तों, आधार कार्ड अगर आपके पास है, तो यानी कि दोस्तों, अगर आपके पास आधार कार्ड है और आप एक गरीब परिवार से, यानी कि गरीब सीमा रेखा के नीचे से मतलब बिलोंग करते हैं, तो आपको यहां से मिल जाने वाले हैं एक सरकारी नौकरी। बस आपको ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आपके घर में पहले से कोई सरकारी नौकरी ना हो। दोस्तों, इस योजना का नाम है एक परिवार एक नौकरी योजना, आप ध्यान से सुनो, एक परिवार एक नौकरी योजना। इस योजना के तहत एक परिवार में सिर्फ एक ही व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी, सरकारी नौकरी, लेकिन पहले से उनके घर में सरकारी नौकरी ना हो। तो दोस्तों, ये फॉर्म कैसे मिलेगा, कौन से दस्तावेज हैं, मैं सब कुछ बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आधार कार्ड है तभी जाके आपको पैसे मिलेंगे, तभी जाके नौकरी मिलेंगे। आधार कार्ड चाहिए, वोटर आईडी कार्ड चाहिए, उसके बाद आय का प्रमाण पत्र चाहिए और निवास प्रमाण पत्र चाहिए। ये चारों दस्तावेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों, इस योजना में फॉर्म भरने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों, गूगल में आप सर्च कर सकते हो एक परिवार एक नौकरी योजना, वहाँ पे जाके आपको इसके ऑफिशियल साइट मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप जो है इनका फॉर्म भर के सबमिट कर सकते हैं। और दोस्तों, आप अगर एक गरीब परिवार के हो तो आपके घर में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल जाएगी। ये हो गया लोकसभा चुनाव 2019 को प्रचंड जीत हासिल करने के बाद मोदी जी की ओर से बहुत ही बड़ा घोषणा, जो घोषणा कह सकते हैं, और बहुत बड़ी ऐलान कर दी है कि सभी मतलब गरीब परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देना, ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप में एक ऐतिहासिक घोषणा है। क्योंकि आज के डेट में सभी लोग बेरोजगार पड़े हैं बहुत ही ज़्यादा लोग, तो इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो इस तरह के सरकारी न्यूज़ अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए आपके परिवार में कितने सदस्य और किसके सरकारी नौकरी है या नहीं है, तो भी कमेंट करिए, नहीं है तो भी कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों।